हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर ही अपने डेली लाइफ में हम बोल जाते हैं। हिंदी तो बहुत आसानी से बोलते हैं, इंग्लिश बोलने में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आज से हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इसका इंग्लिश भी बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है दिस या दैट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हियर प्लस अदर वर्ड। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि दिस ही होगा, यहाँ पर इट भी हो सकता है, इट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं, दैट भी लिख सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे, और जिस सेंटेंस में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा, उस टेंस के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है कि ये तो सरासर गलत है, ये प्रेजेंट में है, इसको हम लोग बनाते हैं ये तो सरासर गलत है, दिस इज सियर रॉन्ग, दिस इज सियर रॉन्ग, ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बेईमानी है, दिस इज सियर डिसऑनेस्टी, ये तो सरासर अपमान है, ये तो सरासर अपमान है। देखिए, दिस इज सियर इंसल्ट, दिस इज सियर इंसल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो सरासर धोखाधड़ी है, ये तो सरासर धोखाधड़ी है, दिस इज सियर डिसीप्शन, दिस इज सियर डिसीप्शन, और डिसीप्शन की जगह पे आप फ्रॉड, फ्रॉड लिख सकते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, दिस इज सियर, दिस इज सियर इनजस्टिस, ये तो सरासर बचकनापन है, दिस इज सियर इसनेस, दिस इज सियर चाइल्डिशनेस, दिस इज सियर चाइल्डिशनेस।